हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सी सेट सिंप्लीफाइड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम यूपीएससी के सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं विद नो फॉर्मूला एंड ओनली लॉजिक अप्रोच। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला लगा के और सॉल्व करवा दिया जाएगा, सिंपल लॉजिक लगाया जाएगा कि जो क्वेश्चन कह रहा है हम सिर्फ वैसा वैसा करते जाएंगे और आंसर अपने आप आ जाएगा। एंड दिस इज द वे टू थिंक इन द सी सेट एग्जाम, बिकॉज सी सेट जो है वो फॉर्मूला के बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं पूछती यूपीएससी और ना ही पूछेगी। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। 2021 के सेट ए का क्वेश्चन नंबर 20 है। ये कह रहा है ए वोमेन रन्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स हर नॉर्थ। ठीक है, डायरेक्शन आपको पता ही है हम लोग किस तरीके से लेते हैं। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है एंड ये वेस्ट है। ये कह रहा है दैट ए वोमेन जो कि 12 किलोमीटर नॉर्थ में चलती है। मैं बना लेता हूँ, यहाँ से मेरा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से ये 12 किलोमीटर नॉर्थ में चलती है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट कितना है 12 किलोमीटर। ठीक है, देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ, देन बिल्कुल पलट के ये वापस आती है और बीच में 6 किलोमीटर पर ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा 6 किलोमीटर, क्योंकि टोटल ए बी कितनी है 12। ठीक है, ओके, देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ एंड देन 8 किलोमीटर हर ईस्ट। ईस्ट में आपका 8 किलोमीटर वो चलेगी। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ सी पॉइंट। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ डी पॉइंट, डी, ओके। ईस्ट में जाती है कितना 8 किलोमीटर। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ये वाली सिचुएशन बन गई, मैं इसको ग्राउंड में ले लेता हूँ। इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या क्या है आपका ए। डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में है, अगर मैं इस डायरेक्शन में लूँ तो किस डायरेक्शन में है वो, यहाँ पर कहीं है। ठीक है, दैट मीन्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, ईस्ट के नॉर्थ में है, दैट मीन्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बट यहाँ पर आपके दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन सी आपका एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी आप ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट हो गया, लेकिन नॉर्थ ऑफ ईस्ट और नॉर्थ ऑफ ईस्ट वाले दो आपके ऑप्शंस हैं। अब एंगल आपको देखना है। ठीक है, ये जो एंगल है इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, एंगल सी ए एक्स, एंगल सी ए एक्स के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि ऑप्शन बी रहेगा आपका या ऑप्शन डी रहेगा। अब आप मुझे ये बताइए, देखिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग, बेसिक से। जब आप बचपन में स्कूल टाइम्स में जब आप राइट एंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जब आप पढ़ते हैं, तो वो क्या पढ़ते हैं, ठीक है, कि जैसे दो जो साइड्स हैं वो राइट एंगल पर इंक्लाइंड है, दैट मीन्स 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है, और ये बी साइड है, ये अगर ए साइड है, तो ये अगर हाइपोटेन्यूज इसका सी साइड है, ओके, तो हम क्या लिखेंगे, दैट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपने ये वाला राइट एंगल जरूर पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, अगर ये साइड वन है, ये साइड वन है, तो ये एक्स वाली साइड कितनी होगी, दैट मीन्स ए बी सी। अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे, देन बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन प्लस वन, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू, बी सी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ टू। ठीक है, दैट मीन्स एक्स कितना आएगा, रूट ऑफ टू आ गया। ठीक है, अब होता क्या है कि ये वाला एंगल तो आपका कितना है 90 डिग्री, ये वाली साइड ए सी कितनी है 1 और ए बी कितनी है 1, दैट मीन्स ये एंगल क्या है ए बी के सामने वाला एंगल है और ये एंगल क्या है ए सी के सामने वाला एंगल है, दोनों क्या होंगे बराबर, दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, अब सेकेंड जो बेसिक पॉइंट है वो आप ये बताइए कि अगर मैं ये साइड ले रहा हूँ ए और बी और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, अगर मैं बी को देखता हूँ तो मेरा ये जो एंगल है ये बनता है, अगर मैं इस बी पॉइंट को मैं और इंक्रीज कर दूं, ठीक है, यहाँ सी तक ले जाऊं, तो मेरा एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि छोटा साइड, अगर साइड
जो है वो आपकी छोटी है तो एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा। अगर साइड आपकी बड़ी है तो एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे ए बी साइड आपकी छोटी है तो एंगल भी क्या है, छोटा है। अगर ए सी साइड आपकी बड़ी है तो एंगल भी क्या है, बड़ा होगा। अब आप ये बताइए कि ये 8 किलोमीटर जो साइड है, 8 किलोमीटर जो साइड है और 6 किलोमीटर जो साइड है, ये वाली ए और डी क्या है, 6 किलोमीटर। ए डी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर और डी सी इज इक्वल टू 8 किलोमीटर, ठीक है। अब ए डी क्या है, 6 किलोमीटर और डी सी क्या है, 8 किलोमीटर। तो इनमें से बड़ी साइड कौन सी है, 8 किलोमीटर वाली। 8 किलोमीटर दैट मीन्स सी डी के सामने वाला जो एंगल है वो कौन सा होगा, ये वाला, ओके। और ए डी क्या है, 6 किलोमीटर, जो कि 8 किलोमीटर से छोटी है, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला। दैट मीन्स हम इन दोनों के बेसिस पे लिख सकते हैं दैट एंगल डी सी ए, ओके, और एंगल डी ए सी। अब आप मुझे बताइए कि डी सी ए जो है वो छोटी साइड के सामने वाला है, तो दैट मीन्स ये डी सी ए एंगल है वो छोटा होगा। किस से, डी ए सी से, डी ए सी से, ठीक है, ये छोटा होगा। दैट मीन्स डी सी ए क्या है, डी सी क्या है, डी ए सी से छोटा है, डी ए सी से छोटा है। दैट मीन्स डी ए सी जो है वो डी सी ए से बड़ा होगा। दैट मीन्स डी ए सी क्या है, ये डी ए, एक सेकेंड, हाँ, डी ए सी इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। अगर ये एंगल आपका ग्रेटर देन 45 डिग्री है तो ये एंगल आपका क्या हो गया, लेस देन 45 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री होगा ना। तो एक मेथड तो ये था लॉजिकली ड्राइव करने का, लेकिन दूसरा मेथड ये कहता है कि अगर ये आपको पता लग गया कि एंगल सी आपका क्या है, छोटा है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। जैसे दो पैरेलल साइड हैं तो उसमें ये ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हैं, बराबर होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये एंगल छोटा है, एंगल डी सी ए छोटा है, तो एंगल सी ए एक्स भी छोटा ही होगा, सी ए एक्स भी छोटा ही होगा। किससे, 45 डिग्री से, ठीक है। इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, एन एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर है, मैंने जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा इसमें बेसिक कवर कर दिया, क्योंकि कुछ बच्चों का क्या है, बेसिक्स नहीं होता है बिल्कुल, और वो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, सो प्लीज़ हैव पेशेंस। 25। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने कोई ट्रिक वगैरह यूज किया नहीं किया रहा, ओके, ट्रिक यूज करेंगे ही नहीं हम, याद रखना, बहुत ही लॉजिकली ड्राइव करेंगे। 7 बुक्स, पी क्यू आर एस टी यू वी, ओके, मैं नोट कर लेता हूँ, पी क्यू आर एस टी यू वी, 7 बुक्स हैं, प्लेस साइड बाय साइड। आर क्यू एंड टी हैव ब्लू कलर्स, आर क्या है, ब्लू कलर्स, क्यू ब्लू कलर्स, टी ब्लू कलर्स, ओके, हमने लिख दिया, ये क्या है, कलर वाला है, ओके, ब्लू कवर, सॉरी, एक सेकंड, इसको इरेज कर देता हूँ, कवर, ओके। तो पी क्यू आर एस टी यू वी, ये जो है वो 7 बुक्स हैं और आज प्लेस प्लेस्ड साइड बाय साइड, मतलब अगल बगल में ये रखी हुई हैं। आर क्यू एंड टी, आर क्यू एंड टी हैव ब्लू कवर्स, आर क्यू और टी को हमने ब्लू कवर्स असाइन कर दिए, एंड अदर बुक्स हैव रेड कलर्स, ये हैं आपके रेड 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 रेड, ओके, इस तरीके से हमने बना लिया, ठीक है। ओनली एस एंड यू आर द न्यू बुक्स, एस एंड यू, एस क्या है, न्यू है, और यू क्या है, न्यू है, ओके, एंड द रेस्ट आर ओल्ड, बाकी मैं ओल्ड 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 ओल्ड, ठीक है। ओ इज इक्वल्स टू ओल्ड, एन इज इक्वल्स टू न्यू, ठीक है। पी आर एंड एस आर लॉ रिपोर्ट्स, पी आर एस लॉ लॉ लॉ, पी आर एस आर लॉ रिपोर्ट, लॉ रिपोर्ट्स, रेस्ट आर गैजेटियर्स,
गैजेटियर 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 गैजेटियर, बुक्स ऑफ ओल्ड गैजेटियर विद ब्लू कवर, दैट मीन्स गैजेटियर होनी चाहिए, ओल्ड होनी चाहिए और ब्लू है। तो गैजेटियर है हमारे पास, ओल्ड है, ब्लू है, नहीं है। गैजेटियर है हमारे पास लेकिन न्यू है, ओल्ड होनी चाहिए, तो ये भी खत्म। गैजेटियर है हमारे पास, ओल्ड है, ब्लू है, तो ये एक हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गया। ओके नेक्स्ट, लॉ खत्म, लॉ खत्म, गैजेटियर हाँ कंसिडर करते हैं। गैजेटियर के बाद क्या होना चाहिए, ओल्ड होना चाहिए और ब्लू कवर होना चाहिए। गैजेटियर के बाद ओल्ड होनी चाहिए और ब्लू कवर होनी चाहिए, यस कॉम्बिनेशन हमारा ये हो गया। ओके ये लॉ कोई काम के नहीं है। दैट मीन्स ये जो पूछ रहा है दैट ओल्ड गैजेटियर विद ब्लू कवर्स, दैट मीन्स ओल्ड गैजेटियर विद ब्लू कवर, ओल्ड गैजेटियर विद ब्लू कलर, दैट मीन्स क्यू एन टी, क्यू प्लस टी आपका क्या हो जाएगा आंसर, और क्यू एन टी कहाँ है आपका ऑप्शन सी में। क्या हमने कोई फॉर्मूला या ट्रिक यूज किया, नहीं किया। बेसिकली सी सेट है ही यही कि विदाउट एनी फॉर्मूला सिर्फ लॉजिक्स के बेसिस पर आपको ड्राइव करना है। ओके क्वेश्चन नंबर 26 ये कहता है दैट रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है, इसको मैंने वापस लिख दिया है, ठीक है। अब आप ये एक बात देखा कीजिए कि सीरीज वाले क्वेश्चन में है ना, आपने ऑड सीरीज पढ़ी होंगी, दैट ऑड नंबर्स वाली सीरीज, फिर इवन आप इवन नंबर्स वाली सीरीज भी आपने देखी होंगी, ठीक है। कई बार क्या है, काफी सारे एग्जाम्स में दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। अब देखिए, थ्री क्या है ऑड, टू क्या है इवन, सेवन ऑड, फोर क्या है इवन, 13 क्या है ऑड, 10 इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ये दिल्ली वाला सिस्टम हो गया, ऑड इवन वाला नहीं, थोड़ा सा जोक कर रहा हूँ। ओके तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो सीरीज है मिक्स में, ऑड और इवन, ठीक है। तो पहले हम ऑड वालों को देखेंगे फिर हम इवन वालों को देखेंगे। थ्री और सेवन में क्या रिलेशन है, अगर मैं प्लस फोर कर दूं, ठीक है। सेवन और 13 में क्या रिलेशन है, अगर मैं प्लस सिक्स कर दूं। 13 और 21 में क्या रिलेशन है, अगर मैं प्लस एट कर दूं। 21 और 31 में क्या रिलेशन है, सिंपल मैं प्लस 10 कर दूं। 31 और 43 में क्या रिलेशन है, प्लस 12 कर दूं, ठीक है। ये मेरे पास रिलेशन आ गया, ठीक है। अब यही जो पैटर्न है वो उसमें भी होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं पहली डिजिट में प्लस फोर करूंगा इवन में, यहां पर मैं पहली डिजिट में प्लस फोर करूंगा, प्लस फोर करूंगा, लेकिन यहां तो टू है, कोई बात नहीं। अगर मैं प्लस फोर करता हूं, नेक्स्ट पैटर्न मेरा क्या था, प्लस सिक्स वाला, नेक्स्ट मेरा क्या था, प्लस सिक्स, प्लस सिक्स, 10 सही हो रहा है, बिल्कुल 10 आ रहा है मेरा। यहां पर फोर अभी नहीं आ रहा था, मेरा 10 आ रहा है। 10 के बाद मैं क्या करूंगा, थर्ड टर्म में मैं प्लस एट करूंगा, प्लस एट, यहां भी मेरा 18 आ रहा है। आगे भी क्या है, 10 आ रहा है, प्लस 10 करने पे 28 आ रहा है, और फिर प्लस 12 करने पे आपका कितना आ रहा है, 40 भी आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब सिक्स वाला सीक्वेंस, एट वाला सीक्वेंस, 10 वाला सीक्वेंस, 12 वाला सीक्वेंस ये सही बैठ रहा है, तो गलत कौन सी है आपकी, टू टर्म में, टू की जगह क्या होगा, जीरो। जीरो में आप प्लस फोर करेंगे तो फोर, और सीरीज आपकी बन जाएगी। दैट मीन्स वेयर द ओड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न, ये आपने लिख रखा था, इसके बेसिस पे हमने कर दिया जीरो, ठीक है। आंसर आपका आ गया है। तो देखिए इस तरीके से हमको ये कवर करने होते हैं। सेकंड, फॉलो द मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन एंटिटीज, मैट्रिक्स है ये, द एंटिटीज एंट्रीज फॉलो इस सर्टेन ट्रेंड रो वाइज। देखिए भाई, रो वाइज में एक पैटर्न मिलेगा आपको, रो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल। कई लोग क्या है, ये स्टेटमेंट पढ़ते नहीं है और वर्टिकली ढूंढने लग जाते हैं, वो अपनी बुद्धि लगा देते हैं। तो ये वही काम है जो इसने यूपीएससी ने सी सेट में पिछली वीडियोस में मैंने करवाया था, कि आपको जीएस का नॉलेज नहीं लगाना है, आपको जो यूपीएससी प्रोवाइड के उस कर उसमें आपको कंसिडर करना है। ओके तो रो वाइज अगर मैं पैटर्न लगाऊं तो रो वाइज देखिए, पहले अपन अल्फाबेट्स का देख लेते हैं। तो यहां पर क्या है, पहले मेरा सेवन के साथ क्या है बी, 10th के साथ मेरा पास क्या है ए, सी के साथ मेरा, थ्री के साथ मेरा क्या है सी। सेकेंड रो में हम देखेंगे सी बी ए, थर्ड रो में हम देखेंगे ए सी, और फिर यहां पर क्या आएगा, अगर इस पैटर्न को आप ध्यान से देखेंगे तो बी ए सी, फिर सी को आप कहाँ लिया है, सी को आप लिया है इधर प्लेस वन पे, और बी ए के कंप्लीट सेट को आपने रिप्लेस कर दिया इधर, मतलब धक्का दे दिया, खिसका दिया।
फिर आप ए को क्या लिया है, आप ए को लिया है इधर फर्स्ट प्लेस पे, फिर आप सी और बी को क्या करेंगे, धक्का दे देंगे, तो सी और फिर यहाँ पर क्या आएगा, बी। दैट मीन्स यहाँ पर आने वाला एक अल्फाबेट तो होगा बी, तो बी वाला एक ये रहा मेरे पास, बी वाला ये रहा, तो ए वाला एक ये गलत हो जाएगा, सी वाला ये गलत हो जाएगा। अब हमारे पास ये क्या है 7, ये क्या है 10, ये क्या है 3। दैट मीन्स 7 में अगर मैं +3 कर दूं तो 10, और +3 किया वही मैंने यहाँ लिख दिया। 3 में अगर मैं +6 कर दूं तो मेरे पास 9 आ जाएगा, और +6 जो मैंने यहाँ किया उसी को मैंने यहाँ लिख दिया। इसका मतलब जितना मैं एडिशन कर रहा हूँ उतना ही थर्ड में मेरे पास डिजिट आ जाएगी। तो 10 में अगर मैं +3 करूँगा तो मैं एडिशन करूँगा तो उतना ही मेरा 3 आ जाएगा। तो आंसर इज 3B। ओके, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो अल्फाबेट वाला तो ये सिस्टम हो ही जाएगा। उसके बाद 10 - 7 इज इक्वल टू 3, ये रो वन वाला है। रो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, 9 - 3 इज इक्वल टू 6, ये 6 है, ये वाला भी 6 है, ये 3 है, ये वाला 3 है। दैट मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ आ जाएगा 3। ओके, पैटर्न्स है, आप किसी भी तरीके से रिकॉग्नाइज कर लीजिए। ओके, अब 28 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, यू आर गिवन टू आइडेंटिकल सीक्वेंसेज इन टू रोज। देखिए दो सीक्वेंस हैं, आइडेंटिकल सीक्वेंस हैं। कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट सीरीज देखने लग जाते हैं और स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल है, आप देखिए ना। कुछ तो आइडेंटिकल पैटर्न है, दैट मीन्स जो इस सीक्वेंस वन में लगेगा वही सीक्वेंस टू में भी लगेगा। अब देखिए 8, 4, 6, 15, 52.5 एंड सो ऑन। 8 का अगर आप आधा करेंगे तो कितना आएगा, 4। 4 का आप डेढ़ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। 1 1/2 आप करेंगे तो 1 1/2 का आप किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 3/2। तो इनको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 3 6, 6 आपका आ जाएगा, ठीक है। 6 को अगर आप 15 लेकर आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 1/2, दैट मीन्स 5/2 × 6, 3 5 15, ठीक है, आ रहा है। तो दैट मीन्स सीरीज किस तरीके से चल रही है, 1/2 1 1/2 2 1/2 3 1/2, फिर आगे 4 1/2, ठीक है। 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/2। 2/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 5/2। 3 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 7/2। दैट मीन्स अल्टीमेटली सीरीज क्या चल रही है, 1/2, फिर इधर क्या मिलेगा आपका, 3/2, फिर इधर क्या मिलेगा आपका, 5/2, फिर इधर क्या मिलेगा आपका, 7/2, फिर इधर आपका उस तरीके से 9/2। ओके, आपको सी का पता लगाना है, सी का पता लगाना है आपको, दैट मीन्स 5 5 का आप 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा, 2.5, ठीक है। 2.5 का आप 3/2 करेंगे, ठीक है, 2.5 का आप 3/2 करेंगे तो 7.5 / 2, आप इसको सीधा सीधा कर लीजिए, 75/20, तो इज इक्वल्स टू 75/2 × 1/10, विच इज इक्वल्स टू 37.5/10, विच इज इक्वल्स टू, अब 10 से आप डिवाइड करेंगे तो डेसिमल इधर खिसक जाएगा, 3.75। दैट मीन्स ए क्या है आपका, 2.5, बी कितना है आपका, 3.75। आपको सी का पता लगाना है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं 3.75 को मैं 3 मान लेता हूँ तो अगला मेरे को किस पे मिलेगा, अगला देखिए, ए हमको कब मिला था, जब हमने 5 का 1/2 किया था। बी हमको कब मिला था, जब हमने ए का कितना किया था, 3/2। सी कब मिलेगा, जब हम ए बी का क्या करेंगे, 5/2। तो 5/2 हमको करना है। अब मैं दो कंडीशन ले लेता हूँ, पहली कंडीशन में 3.75 में, 3.75 में मैं 3 ले लेता हूँ, तो 3 × 5/2 करूँगा तो 15/2, दैट इज 7.5। ओके, और अगर मैं 3.75 को मैं क्या ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, 4 × 5/2, तो 2 2 = 4, और 2 × 5 = 10, ठीक है। अब होता क्या है कि 3.75 को मैंने 4 मान लिया, दैट मीन्स मैंने इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले ली, और 3.75 को मैंने 3 मान लिया तो मैंने एक मिनिमम वैल्यू ले ली। दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू इसकी 7.5 हो सकती है सी की, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 10 हो सकती है। ये क्या है, राउंड
राउंड ऑफ में ले ली, दैट मीन्स 3.75 की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 7.5 और 10 के बीच में लाई करेगी। 7.5 और 10 के बीच में कौन सी फिगर है? ओनली एंड ओनली एक फिगर है। आपको कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ा, आपको कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ा, ये इतनी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी, 3.75 इंटू 5/2 ये करना ही नहीं पड़ा। आपने सीधा इसको एक बार 3 मान लिया, 3 मान के 5/2 कर दिया, ओके। और एक बार आपने इसको 4 मान लिया, 4 मान के आपने 5/2 कर दिया। एक बार इसकी वैल्यू आ गई कितनी? 10। और एक बार कितनी वैल्यू आ गई? 7.5। तो या तो 7.5 और 10 के बीच में होगी और एक ही वैल्यू है, ऑप्शन सी। इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन किए जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको कि क्यों कैट होल्डर्स, IIM होल्डर्स, IIT होल्डर्स आपके आगे रहते हैं? इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन होने चाहिए। आई होप आपको इस सीरीज पसंद आ रही होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द इनिशिएटिव।